वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी। बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना और बहुत हेल्दी भी है। इस होली में इसको बनाना तो बनता है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। तो बाउल में मैं डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच यहाँ पर बादाम, उसके बाद डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काजू, फिर डालूंगी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ये खरबूजे के बीज, उसके बाद डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ठंडाई में। फिर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, ये साबुत काली मिर्च है, उसके बाद डालेंगे इसमें 6 से 7 छोटी इलायची। और अब हमें इसको भिगो के रखना है, तो मैं डालूंगी एकदम उबलता हुआ पानी। देखिए अच्छे से हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है और इसको हमें रेस्ट करने रखना है कम से कम 3 से 4 घंटे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें 2 चम्मच सौंफ। तो जो सौंफ हम खाते हैं उसको ऐड करना है हमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब कवर करके रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप ठंडे पानी में भिगो रहे हैं तो 6 से 7 घंटे कम से कम चाहिए इनको भिगाने के लिए, और अगर गर्म पानी डालेंगे तो 3 से 4 घंटे में ये आसानी से भीग जाएंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और अब 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भीग चुके हैं, पानी भी इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब लेंगे हम जार और इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स और पानी जो इसके अंदर है, सारा पानी ऐड कर लेना है। और उसके बाद हमें इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। अच्छे से हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। मैंने 4 से 5 पत्तियाँ इसमें गुलाब की डाल दी हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है इससे। और यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरीके का ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और ये देखिए इस तरीके का ये पेस्ट बनके हमारा तैयार हो गया है। अब मैं 2 गिलास यहाँ पर ठंडाई बना रही हूँ, तो मैं 2 गिलास दूध ले रही हूँ। इसमें हमें अच्छे से एक उबाल आने देना है, तो मैं इसमें डाल दूंगी कुछ धागे केसर के। केसर के धागे से अच्छा एक तो फ्लेवर आ जाता है, दूसरा इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। एक उबाल आने के बाद डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट, तो 2 गिलास में 2 चम्मच पेस्ट एकदम सही रहेगा। तो यहाँ पर अब हमें एक उबाल आने देना है। एक उबाल जब आ जाएगा तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच चीनी यानी स्वाद के अनुसार, और फिर हम इसे 2-3 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे। बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी पूरा ड्राई फ्रूट्स का दूध के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है 2 से 3 मिनट पकाने के बाद। और अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ठंडाई को ठंडा कर देते हैं। जब ठंडाई थोड़ा ठंडी हो जाए तो उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। ठंडाई जितनी अच्छी चिल्ड होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी पीने में। तो बस इस तरीके से आप ठंडाई होली में बनाइए। और अगर आपको होली में इसे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो एक बार पूरा दूध के साथ इसे बना लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जब आपके यहाँ गेस्ट आए तो आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। फटाफट से चिल्ड ठंडाई को हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चिल्ड चाहिए तो 1-2 क्यूब्स आप ऊपर से बर्फ़ के डाल सकते हैं। आप होली में इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी और साथ में हेल्दी भी बहुत है। इसे आप गर्मियों में बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दूसरा दूध, तो दोनों चीज़ें बच्चों को मिल जाती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब आप ट्राई करें तो उसके बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ठंडाई कैसी बनी। आई होप आपको मेरी होली स्पेशल ये ठंडाई की रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।